स्टोरी टाइम। मुझे पता है लेकिन पब्लिक ने बोला कि 8-9 बजते थे, ठीक है, तो मैं खुद गिरता, मैं दोस्त को भी गया था, शू बीड़ी फूटते दिख नहीं लगा मरेगा क्या साले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अबे तू कब से वीडियो बना रहा है यार? तू तो व्लॉग बनाता है ना, तो व्लॉग बना, ये क्या बना रहा है साले? अरे हाँ पता है मैं व्लॉग बनाता हूँ, मुझे पता है लेकिन पब्लिक ने बोला। तो मैंने इंस्टाग्राम पर कल पूछा था कि ना मैंने एक घटना हुई मेरे साथ में, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आपने कहा कि हाँ बता दो, हम सुन लेंगे। अबे कुछ लोगों ने तो मना किया था, फिर क्यों बता रहा है तू? हाँ वो 3% मतलब कि 3 लोगों ने मना किया था, लेकिन यार वो भी दिल के अच्छे यार। तो अभी मैं सुना देता हूँ हुआ क्या। मैं अपने दोस्त के साथ में कहीं से तो आ रहा था साइकिल पे। वो ऑब्वियसली मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ क्योंकि यार मुझे पहले चला चला के छोड़ दी मैंने, अभी उतनी शौक नहीं रहा साइकिल का। तो मैं साइकिल चला के आ रहा था तो पीछे से कुछ आते गाड़ी वाले, बाइक वाले, उनका नाम अपन मान लेते हैं बीडी, इंग्लिश वर्ड बीडी। तो वो आते पीछे से, ठीक है, और मेरे को पता था कि फुल स्पीड में आ रहे हो, एकदम फुल स्पीड में। मैं अबे तेरे पीछे भी कैमरे लगे क्या? तेरे को कैसे पता कि फुल स्पीड में आ रहे थे वो? अरे हाँ कैमरे नहीं लगे पर आवाज़ तो सुनाई दे रही ना, गाड़ी की आवाज़ फुल स्पीड में थी, तो मेरे को लगा कि आवाज़ आ रही है गाड़ी की, तो फुल आ रही। अब मेरे आगे आया एक खड्डा, उसमें पानी भरा हुआ था, शाम के 8-9 बजते थे, ठीक है, उसमें पानी मेरे को दिख गया। तो मैं उस खड्डे में गिरता, साइकिल को डालता तो मैं खुद गिरता, मैं दोस्त को भी गिरा था, लेकिन मैंने उस खड्डे को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा यूं लिया साइकिल को, थोड़ा सा यूं लिया, पीछे से बीड़ी आए दोनों भाई, शूं बीड़ी फूकते फूकते खतरनाक शांत यूं शूं। तो उन्होंने मेरे को गाली बकी 3-4। तो उन्होंने कहा दिख नहीं रहा क्या मरेगा क्या साले? मैंने कहा भाई खड्डा था इधर, कहाँ जाऊँ मैं? वो आगे गया, चला आगे गया, चला गया। हम नहीं रुके, हम भी आगे जाते जा रहे जाते जा रहे, गए उनके पास ना, वो रुके। उन्होंने बोला कहीं बोल रहे हो रहा? अरे भाई माफ़ कर दे भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, माफ़ कर दे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फट गई। अरे हाँ भाई फट गई मेरी, बस फटली, आ गया मैं घर पे, मार खा के नहीं आना था साला। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? एक बार यहाँ लगी थी मेरे को, इधर से पूरा छिल गया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा 3 दिन तक, कूटते मेरे को वो बहुत। उस दिन ना शाम को बहुत ज़्यादा मूड खराब था कि यार क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करूँ सोच रहा था, तो सोचा इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर पूरी स्टोरी नहीं डाल सकता था ना, तो थोड़ा डाला और फिर आपसे पूछ लिया, तो आपने कहा बता दो, तो आपको बता ही दिया मैंने। अब बता के ना दिल थोड़ा हल्का सा हो गया, अच्छा लग रहा है। मैं उनसे वहाँ भिड़ता था तो या तो उन्हें मुझे कूट देते, हाँ कूटते यार, ऑफिशली बीड़ी थे, सूटर थे, सूटर शानदार वाले। तो फिर मैं आ गया घर पर, तो उस टाइम मेरे को क्या करना चाहिए था आप ये बताओ यार, मैं कौन से लड़ना चाहिए था या मैं चुपचाप आ गया तो सही था, बताओ आप बताओ। अब मेरे को नहीं पता कि मैं कौन से लड़ना चाहिए था या चुपचाप आ गया सही था। अगर मैं लड़ता तो पिट के आता, पक्का पिट के आता पक्का। तो आप लोग बताओ कैसी थी स्टोरी, अच्छी लगी तो लाइक करो। अबे ये क्या बकवास है साले, क्या बना रहा तू? फिर भी लाइक कर दो यार। अरे